आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचुरल सीजन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज यूफोर्बिया हिरता दुग्धी की बात करेंगे। यूफोर्बेसी का ये प्लांट है, वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट है और जनरली कहीं भी देखने को मिलता है, लेकिन औषधीय गुणों की जानकारी ना होने के कारण हम इसको उपयोग में नहीं ला पाते हैं। मित्रों, समस्त प्लांट का आप अपने दैनिक जीवन में औषधीय गुणों के लिए उपयोग में ला सकते हैं और आप इसको सुखाकर पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। इसकी जड़ का उपयोग हम गैलेक्टोगोक पर्पज़ के लिए करते हैं। दुग्धवर्धन के लिए इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है। 3 ग्राम इसकी जड़ लेकर डिकॉक्शन बनाकर उसमें शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए। वंडरफुल नेचुरल गैलेक्टोगोक का एक कार्यकर्ता है। हॉर्मोन रेगुलेशन के माध्यम से इसकी एक्टिविटी देखी गई है। इसके अलावा इसके पेस्ट का उपयोग आप एंटी फंगल एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी वायरल एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं। मित्रों, आँखों की एक समस्या होती है जिसमें आँखों में रेडनेस हो जाती है और आई लिड्स में स्वेलिंग आ जाती है और ग्रोथ भी हो जाती है, जिसको हम आई लिड स्टाइज कहते हैं। तो आई लिड स्टाइज की समस्या को दूर करने के लिए आप इसकी फ्रेश अवस्था में लेकर उसका जूस निकाल कर और कॉटन स्वैब से आई लिड स्टाइज पे लगाना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर आई लिड स्टाइज की समस्या दूर हो जाती है। अस्थमा के निराकरण के लिए इसके ड्राइड पाउडर 5 ग्राम लेकर उसका धीमी आंच पर क्वाथ बनाकर और शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए। ब्रोंको डायलेटर का ये कार्य करता है। ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, अस्थमा की समस्या हो, कोराइजा की समस्या हो, इन्फ्लुएंजा की समस्या हो, सभी प्रकार के कफ डिसऑर्डर्स को दूर करते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का ये कार्य करता है। इसके अलावा इसके सुरस का उपयोग, इसके डिकॉक्शन का उपयोग आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए, पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर अगर वॉर्म्स की समस्या है उनको दूर करने के लिए, इंटेस्टिनल पैरासाइटोसिस ऐसी अगर कोई समस्या है उसको भी दूर करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इसकी अगर फ्रेश अवस्था में आपको मिल जाए तो सुरस ज़्यादा औषधीय गुणकारी होता है। मित्रों, इसके अंदर पाए जाने वाले अमाइरीन, कुर्सेटीन, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड ये न केवल औषधीय गुणों के रूप में उपयोगी है बल्कि शरीर के अंदर टॉक्सिन्स अगर हैं तो उनको भी न्यूट्रलाइज करने का कार्य करते हैं। कई बार टॉक्सिन्स के कारण या इंसेक्ट बाइट के कारण इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग इस तरह की समस्या भी हो जाती है, तो इसके पत्र का पेस्ट बनाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ सुरस के रूप में भी आप इसको पी सकते हैं। 5 से 10 ml इसका जूस निकाल कर आप पी सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पॉइजन्स के एंटीडोट का भी ये कार्य करता है। ध्यान ये रखना है, ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले जो घटक हैं वो वोमिटिंग भी कॉज कर सकते हैं, उल्टी वो ला सकते हैं। पुरानी से पुरानी पाइल्स की समस्या हो वो भी इसके सेवन से दूर हो जाती है। ये वात का समन करते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्प्रूव करने के बाद धीरे धीरे पाइल्स की समस्या दूर हो जाती है। इंसिपिएंट कॉन्स्टिपेशन अगर है तो वो भी ठीक हो जाता है और इंसिपिएंट कॉन्स्टिपेशन के ठीक होने के बाद पुराना जमा हुआ इंटेस्टाइन के अंदर जो मल होता है वो निकल जाता है और पाइल्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य, लंग्स को स्ट्रेंथन करने का कार्य और किडनी डिसऑर्डर्स के लिए भी आप इसका उपयोग में ला सकते हैं। डाई यूरेटिक प्रॉपर्टीज़ इसके सोरस की और इसके डिकॉक्शन की होती है। डाईयूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये यूरोलिथियसिस की अगर समस्या है, स्टोन की अगर समस्या है तो उसको भी ठीक करता है, किडनी स्टोन को निकाल देता है और यूरोलिथियसिस की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हार्मोन रेगुलेशन का इसका कार्य है। वंडरफुल इमिनागोग भी ये प्लांट होता है, आप इसको देख पा रहे होंगे। ये स्मॉल हर्ब है और समस्त प्लांट का आप हार्वेस्ट करके रख सकते हैं और इसको पाउडर बना के रख सकते हैं। नीचे पाए जाने वाले रूट्स के माध्यम से भी इसका प्रोपेगेशन हो जाता है और इसकी फ्रूट आने के बाद उससे भी ये अपने आप ही स्वतः ही प्रोपेगेट अपने आप को करता रहता है। वेस्टलैंड में हमें देखने को मिलता है, हम अपने घर के गमलों में भी इसको संरक्षित रख सकते हैं।
दो से तीन पत्र लेकर फ्रेश अवस्था में और इसको उपयोग में ला सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन तो दूर करेगा, ब्लड को प्योरीफाई करता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर हैं तो उनको भी रेमेडिएशन का कार्य करता है। मूल रूप से आइज़ की प्रॉब्लम, कंजंक्टिवाइटिस की समस्या हो या आइज़ स्टाइस की जो समस्या है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाती है। तो आज आपने जाना कि खरपतवार किस प्रकार से हमारे जीवन में औषधि का रूप में महत्वपूर्ण हो सकती है और हम इसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जानकारी को अवश्य शेयर करें और इस प्लांट को अपने घरों में, अपने गमलों में इसको संरक्षित कीजिए। वाइड थेरापेटिक एप्लीकेशन इस हर्ब का होता है और इस प्रकार आप इसको संरक्षित रख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ईमेल या टेलीफोनिक माध्यम से भी हमसे संवाद कर सकते हैं, और आपके क्षेत्र में इस प्लांट को किस नाम से जाना जाता है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि इस ज्ञान का संरक्षण किया जा सके। इन्हीं बातों के साथ कल मिलेंगे सुबह 6:30 बजे एक नई प्लांट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।